CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम बादल। आलेख जयपाल सिंह तरंग का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं LG सुमित्रा। नमस्ते। अच्छा बच्चों, आज तुमको एक गांव की कहानी सुनाते हैं। उस गांव में सभी लोग बड़े मजे में रहते थे। पशु भी खुश और पक्षी भी खुश, फसल के भी मजे रहते, वक्त पर बादल पानी बरसा देते। पर एक बार ऐसा हुआ, बहुत दिनों तक पानी ही नहीं बरसा। फसल सूखने लगी, कुओं का पानी सूख गया, तालाबों का पानी सूख गया, नदियों में भी पानी कम हो गया। पशु पक्षी भी प्यास से परेशान हो गए। एक दिन क्या हुआ, आकाश में बादल छाए, काले काले बादल। सब खुश होकर गाने लगे। बिल्ली बोली, मैं। बकरी बोली, हु हु। कुत्ता बोला, ढींचू ढींचू। गधा बोला, प्यास बुझाने बादल भैया लाया पानी लाया, धूम धड़ाका धूम तड़ाका आया बादल आया। मक्की बोली, भुट्टा बोला, ज्वार बोली, बाजरा बोला, धान बोला, किसान बोला, तुम भी बोले, मैं भी बोला। बच्चों, ये सब लोग मस्ती में गाते रहे गाते रहे, और बादल बस थोड़ी देर पर से फिर चले गए कहीं। बिल्ली, कुत्ता, गधा, चिड़िया, कोयल, कौवा, धान, किसान सब दुखी हो गए। बादल का पता ही नहीं चला कहाँ गायब हो गए। सभी चुपचाप उदास बैठे थे। तभी एक ऊंट वहां आया। कौन आया? ऊंट। तो ऊंट बोला, बादल तो पहाड़ की चोटी पर जा बैठा है, अब क्या करें, कैसे उसे बुला कर लाएं। बिल्ली बोली, म्याऊं म्याऊं। ऊंट भैया तुम पहाड़ पर जाओ भैया, बादल लेकर आओ भैया। ऊंट बोला, मैं पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, जो पहाड़ पर चढ़ सके वो ऊपर जाए और बादल को बुला लाए। ऊंट ने मना कर दिया, गधे ने मना कर दिया, बच्चों घोड़े ने भी मना कर दिया, किसी ने हामी नहीं भरी, कोई तैयार नहीं हुआ। तभी उन्हें सड़क से पौपों की आवाज सुनाई दी। ये मोटर की आवाज थी। सब मोटर के पास गए और बोले, मोटर रानी तुम पहाड़ पर चढ़ जाओ, पहाड़ पर बादल बैठा है, उसे बुलाकर ले आओ। मोटर बोली, पाँ पाँ पाँ। ना बाबा ना, पाँ पाँ। मैं पहाड़ पर नहीं जा सकती, पहाड़ पर सड़क नहीं है। मोटर ने जब पहाड़ पर जाने से मना कर दिया तो सब सोचने लगे, अब क्या करें। सब आगे चले,
तो बच्चों चलते चलते उन्होंने सुनी छुक छुक की आवाज। हाँ बच्चों, ये रेलगाड़ी की आवाज थी। कुत्ता बोला, रेल रानी तुम पहाड़ पर चढ़ जाओ। पहाड़ पर बादल बैठा है, उसे बुलाकर ले आओ। रेल बोली, छुक 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 छुक, ना बाबा ना, मैं पहाड़ पर नहीं जा सकती। छुक 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 छुक, पहाड़ पर रेल की पटरी जो नहीं है। छुक 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 छुक। अब रेल ने भी मना कर दिया, तो सब पहुंचे हवाई जहाज के पास। इस बार बकरी बोली, हवाई जहाज राजा जी, तुम पहाड़ पर चढ़ जाओ। पहाड़ पर बादल बैठा है, उसे बुलाकर ले आओ। हवाई जहाज बोला, चुम, ना बाबा ना, पहाड़ पर मेरे उतरने की जगह नहीं है, मैं कैसे जा सकता हूँ। बकरी को गुस्सा आ गया, वो बोली, मैं जाती हूँ पहाड़ पर, बादल भैया को बुला कर लाती हूँ, तुम सब यहीं ठहरो। बकरी चल पड़ी। बकरी पहुंच गई पहाड़ की चोटी पर, वहां बैठा था बादल। बकरी बोली, बादल भैया मैं आई हूँ, बोलो ना। धरती पर सब प्यासे बैठे, जल की गगरी फोड़ो ना। बकरी की बात सुनकर बादल गरजे, बादल की गरज सुनकर बेचारी बकरी डर गई। वो मिमियाने लगी, बादल भैया ऐसे ना कर जो, ठीक से बोलो ना। बादल फिर गरज कर बोला, देख बकरी, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, गरज गरज कर। सुनना है तो सुन, हमेशा जब मैं धरती पर बरसता हूँ तो खुश होकर मेंढक टर टर बोलते हैं, मीठे मीठे गीत गाते हैं। आज जब मैं बरसने गया तो कोई मेंढक नहीं बोला, किसी ने मुंह नहीं खोला। अगर टर टर मेंढक नहीं बोले तो मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। तुम मेंढकों के पास जाओ और उनसे कहो वे टर टर बोलें। वे गाएंगे तभी मैं आऊंगा, खूब सारा पानी लाऊंगा। बादल की बात सुनकर बकरी चल पड़ी। बकरी ने सबको बताया कि अगर मेंढक बोलेंगे और गाना गाएंगे तभी बादल बरसने आएंगे। सब पहुंचे मेंढकों के पास। कहां पहुंचे? मेंढकों के पास। बच्चों, गधा बोला, ढींचू ढींचू। मेंढक भैया टर टर गीत सुनाओ रे, पहाड़ पर बादल बैठा है, गाकर उसे बुलाओ रे। सब मेंढक चुप रहे, कोई नहीं बोला। तब बिल्ली ने कहा, म्याऊ म्याऊ। मेंढक भैया टर टर गीत सुनाओ रे, पहाड़ पर बादल बैठा है, गाकर उसे बुलाओ रे। म्याऊ म्याऊ। मेंढकों ने बोलने से मना कर दिया। तब कोयल ने
अपनी मीठी बोली में कहा, कू कू। मेढक राजा, मेढक राजा, रूठ गए हैं बादल राजा, उन्हें बुलाओ मेढक राजा। गीत आप यदि गाएंगे, बादल खिर खिर आएंगे, सबकी प्यास मिटाएंगे, खुश होकर सब गाएंगे, मेढक राजा, मेढक राजा। कू कू कू। बूढ़ा मेढक बोला, हम नहीं बोलेंगे, गीत नहीं गाएंगे। कोयल बोली, क्यों मेढक भैया? बूढ़ा मेढक बोला, गांव के बच्चे हम पर पत्थर फेंकते हैं, ठेले मारते हैं, बताओ जब गांव वाले बच्चों को मना नहीं करते तो हम क्यों बोलें, हम क्यों गाएं? बच्चों का खेल हो और हम मर जाएं? सब पहुंचे गांव के बच्चों के पास। ऊंट ने उनसे कहा, बच्चों बादल नहीं बरसेंगे तो सूखा पड़ जाएगा, फिर न मक्की मिलेगी न ज्वार मिलेगी। बच्चे बोले, बादल क्यों नहीं आएंगे? ऊंट ने कहा, तुम मेढकों को सताते जो हो, मेढकों को पीटते जो हो, इसीलिए मेढक अब बोलते नहीं, अपने होंठ खोलते नहीं, टर टर गाते नहीं, बादल बरसने आते नहीं। बच्चों ने फौरन अपनी गलती मान ली। उन सब ने कहा, हम अब कभी मेढकों को नहीं सताएंगे, न ठेले मारेंगे न पत्थर। ऊंट के कहने पर बच्चों सब बच्चे मिलकर मेढकों के पास आए, उनसे माफी मांगी। बूढ़े मेढक ने बच्चों को माफ कर दिया। बूढ़े मेढक के कहने पर सब मेढक गाने लगे। तर तर मेढक बोले, लगा बरसने छम छम पानी, खूब खुश हुई बकरी रानी, प्यास मिटी सबने सुख पाया, सबने मिलकर गीत सुनाया। गर्दन हिलाकर मना न करना, मुंह से बोलना, मुंह से बोलना मना न करना, मना न करना मुंह से बोलना, कभी किसी को नहीं सताना, गाना गाना, बच्चों अपना कहा निभाना, प्यास बुझाने बादल राजा, लाया पानी लाया, धूम धड़ाका धूम तड़ाका, आया बादल आया। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।